Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna, Bhagavatam, 8th Canto, 22nd Chapter, 26th Shloka. Janma Karma Vayo Rupa Vidyaishwarya Dhanadibhi Yadi Asya Naam Bhave Stambha Tatrayam Mad Anugraha. If a human being is born in an aristocratic family or a higher status of life, if he performs wonderful activities, if he is youthful, if he has personal beauty, good education and good wealth, and if he is nonetheless not proud of his opulences, it is to be understood that he is specially favored by the Supreme Personality of God. So Krishna is recognizing बलि महाराज के गुण भगवान ने स्वीकार किए. बाहर से तो उसको डांटा लेकिन दिल से स्वीकार किया. और कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट करना है वो भी बताया. बलि महाराज त्रिलोकेश्वर अपने को समझते थे कि पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर है, लेकिन एक तरह का घमंड उनके दिल में आ गया था. अब भगवान को घमंड पसंद है नहीं, बिकॉज घमंड होने से फिर भगवान का सेवा कैसे करेगा. सेवक को घमंड नहीं होना चाहिए. हम सब भगवान का सेवक हैं. जो सिक्स प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर हैं, एक प्रिंसिपल है ऑलवेज इन मीक एंड हम्बल इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के सामने एक छोटा सा दास के रूप में रहने का. त्रिनाथ पिशु नीचे ने में भी सेम प्रिंसिपल है, अमानीना मान देना. जब गोपी लोग को भी घमंड हो गया तो कृष्ण जी रासलीला से चले गए थे. सिमिलरली इधर बलि महाराज को थोड़ा घमंड हो गया था, मैं त्रिलोकेश्वर हूँ, मेरे को सब कुछ है. तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने सब कुछ उससे ले लिया और फिर उसको ज्ञान दे रहे हैं कि इस सब की ज़रूरत नहीं होती अगर तुम्हें घमंड नहीं होता. हाँ, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं थी. जहाँ पर आपके बलि महाराज हैं वैसे स्थिति में अगर कोई और व्यक्ति होता, उसका पूरा त्रिलोक उसके पास होते, लेकिन अगर उसके पास घमंड नहीं होता तो भगवान को लेने का कोई ज़रूरत नहीं था. जनरली इस्कॉन में लोग मंदिर में आते हैं, क्या देखते हैं, बड़ा बड़ा मंदिर, बोलते हैं इधर भक्ति नहीं है, ऐसा सोचते ना लोग. भक्ति मतलब एक कोटी होने का, कुछ भी नहीं होने का उधर, कह रहे नहीं ऐसा नहीं. लोग सोचते नहीं, सोचते चटाई में बैठने का, कुछ नहीं होने का उसके पास. और इधर देखते हैं ऐसा मोबाइल है. मेरे को याद है बहुत टाइम पहले कॉलेज गया था तो एक लड़का पूछा, आप कैसे भक्त हैं, मोबाइल रख दो जेब में. उस समय मोबाइल रखना ही बहुत बड़ा चीज़ था, अभी नहीं. 2000 जब ये एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, लेकिन उस समय मोबाइल बहुत बड़ा चीज़ होता था. हैं तो होता था, नहीं होता था तो लोग मोबाइल देख के मतलब इसके पास. अभी तो मोबाइल कोई जेब में रखा तो उसको कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगता, तो बहुत अजीब लगता था. बड़ा मतलब हम देखो भक्त समझते हैं मोबाइल रखा हुआ जेब में, तो लोग ऐसा सोचते हैं एक्चुअली. ठीक है, सो कृष्ण जी बोल रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कि मोबाइल रखा है, पूरा दुनिया रखा है, उनको प्रॉब्लम. लेकिन ये कभी नहीं बोलना चाहिए, ये सब भगवान, उसका भगवान से कनेक्शन नहीं बोलना चाहिए. अगर आप कोई, आपके पास कोई भी वस्तु है और आप उसका कनेक्शन भगवान से नहीं भूलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप उसका कनेक्शन भूल जाएंगे तो फिर माया का रूप ले लेगी वो चीज़. कह रहे आप ही सोचिए, मेरे पास ये लैपटॉप है लेकिन ये भगवान का दिए हुआ चीज़ है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, भगवान बहुत कृपालु है तो मैं भगवान की सेवा में यूज़ करने का. ये मेरे पास आँख है, ये भगवान का दिया हुआ है,
ये भगवान के सेवा में यूज़ करने का, ठीक है ना। ये मेरा नहीं है, किराए पे लिया हुआ है। प्रभुपाद जी बोलते टेनेंट, ये शरीर है, ये भी भगवान का दिया हुआ है। जो सनातन गोस्वामी शरीर को नष्ट करना चाहते, तो चतुर्मामा ने बोला अरे ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, तुम कैसे नष्ट कर सकते हो। इस शरीर से मेरे को तो बहुत कुछ काम करना है अभी। तो हमेशा हर दिन इस चीज़ मेडिटेट करने का, बिकॉज सुबह से हम लोग 4 बजे से रात के 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, 8 घंटे निकाल दो, 16 घंटे। तो 16 घंटे हम इस शरीर को, रात को तो हमसे नहीं होता, महान भक्त होते हैं रात को ही भगवान को सेवा करते हैं निद्रा में भी, वो तो छोड़ो अभी। ये जो 16 घंटे हैं, इसमें हमारे पास एक शरीर है, आँखें हैं, पूरा मन है, चारों तरफ वस्तु है। हर दिन बार बार अपने को रिमाइंड करो, एक एक चीज़ का आइडेंटिफाई, उसका कनेक्शन भगवान से बनाओ। ये लैपटॉप है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान की बुद्धि से बनाया है, भगवान के लिए यूज़ होने का। ये शरीर है, ये भगवान का दिया हुआ है, भगवान की सेवा के लिए यूज़ करने का। चारों तरफ जो अपने पास चीज़ें हैं सबको भगवान से कनेक्ट कर दो, माया नहीं आएगी, और ना ही फिर भगवान को आपसे वो चीज़ लेने की ज़रूरत है। भगवान आपसे कभी नहीं लेंगे। जो भक्ति की संपत्ति है वो हमेशा नित्य रहती है, कभी नहीं जाती, क्योंकि वो संपत्ति भगवान की दी हुई है, वो संपत्ति पुण्य कर्म के अनुसार नहीं होती। भक्त जब पीड़ा में होता है वो भी उसके पाप कर्म के अनुसार नहीं होता है, और जब वो खुश होता है वो भी उसके पुण्य कर्म के अनुसार नहीं है, ठीक है ना। जैसे ध्रुवलोक को उसने दिया था भगवान ने, ध्रुव को नहीं, उसका पुण्य कर्म से थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो तो भगवान दे रहे हैं खुशी से, ठीक है। वो कर्मकांड के टोटली बाहर है। इस दुनिया में जो चीज़ भी लोगों को मिलती है, जो चीज़ भी लोग खोते हैं, वो कर्मकांड के अनुसार है। आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को। सी जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो शिव के भक्त होते हैं, शिव जी तो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, कह रहे पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, एक घर भी नहीं उनके पास, बेल के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं अपनी वाइफ के साथ, और उनके जितने अपने तो गरीब की तरह रहते हैं, और उनके शिष्य बड़े सेठ होते हैं। और नारायण तो लक्ष्मी के साथ रहते हैं, करोड़ों लक्ष्मी, वैकुंठ जगत में भी पूरे ऐश्वर्य के साथ रहते हैं, भौतिक लोक में भी आए थे द्वारका में बड़े ऐश्वर्य से रहते हैं, लेकिन उनके भक्त बड़े गरीब दिखते हैं जनरली। ये एक प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। भागवत में परीक्षित महाराज भी ये प्रश्न पूछते हैं, युधिष्ठिर महाराज भी यही प्रश्न पूछते हैं एक बार कृष्ण को राजसूय यज्ञ के बाद। कृष्ण जी ये क्या चंबा है, शिव जी के भक्त तो बड़े सेठ रहते हैं और आपके भक्त कंगाल रहते हैं, और शिव जी कंगाल की तरह बैठे रहते हैं भक्त सेठ हैं, और आप सेठ की तरह बैठे रहते हैं भक्त कंगाल हैं, ऐसा क्यों होता है। तो उसमें ये पहली चीज़ बताई जाती है कि एक्चुअली भगवान का फोकस है दैवी संपत। भगवत गीता में लिखा है दैवी संपत, आसुरी संपत। दैवी संपत मतलब आध्यात्मिक धन, आध्यात्मिक धन। जैसे कृष्ण के नाम है मधुरता, आप कृष्ण का नाम गा रहे हैं, जप कर रहे हैं, आपको बहुत खुशी लग रहा, मन लग रहा, ये दैवी संपत है। आप भगवान का सेवा कर रहे हैं, आपको बहुत आनंद मिल रहा है, ये दैवी संपत है, ये बहुत बड़ी संपत होती है। इस सिंपल संपत में असली खुशी है, और ये संपत आपके पास नित्य रहेगी, कभी नहीं जाएगी। नया विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कभी नहीं जाएगी आपके पास ये, हमेशा। और स्वल्प भी धर्म से त्रायते महतो भयात, ये संपत आके बाद आपके पास थोड़ी भी आ गई, जानवर का शरीर कभी नहीं मिलेगा आपको, मनुष्य का शरीर जरूर मिलेगा, और वैकुंठ धाम के लिए आपका रास्ता बन रहा है ना, थोड़ा भी ये संपत आपके पास है। लेकिन आसुरी संपत जो है वो तो माया है ना, ये दुनिया आसुरी संपत के पीछे भागे रहती है, करेक्ट। पहले तो ये समझने के बहुत जरूरी है, दैवी संपत आसुरी संपत। तो भक्त भी कभी कभी कष्ट में रहता है, लेकिन वो दूसरी तरह सोचता है। जैसे किसी बच्चे को उसकी माँ थोड़ा कष्ट देती है या डांटती है, या उसका दुश्मन उसको कष्ट देता है डांटता है, ये दोनों अलग चीज़ है, करें। आपको दुश्मन कुछ कर रहा है और आपको माँ कुछ कर रही है, माँ भी थप्पड़ मार सकती है, दुश्मन भी मार सकता है, लेकिन हम माँ के थप्पड़ को कोई दुश्मनी के रूप में नहीं लेते हैं, ये तो प्यार से मारा हुआ थप्पड़ है, कुछ गलती है आपकी। तो भक्त अगर मुश्किल में भी है वो भगवान की कृपा ही समझता है, करेक्ट। ऐसा नहीं समझता भगवान मेरे दुश्मन बन गए। जैसे बलि महाराज, भगवान ने उसको कंगाल कर दिया, सबके सामने उसको बेइज्जत कर रहे हैं, तभी वो ऐसा नहीं लिया जैसे उसके सारे लोग सोच रहे हैं दुश्मन है, दानव उसके गुरु सब बोल रहे हैं दुश्मन है ये, विष्णु नहीं है आपका दुश्मन है ये,
सॉरी विष्णु है लेकिन आपका दुश्मन है, ये देवता लोगों के साथ हो गया, आपके दुश्मनों के साथ हो गया है। लेकिन बलि महाराज दिल में ये कभी नहीं सोचा उन्होंने, उनको कभी भी उसको दुश्मन नहीं माना। बोले जैसे माँ थप्पड़ मार रही है, थप्पड़ मार, मार मार प्रॉब्लम नहीं मार, वो कभी भी उसमें बुरा नहीं माना, ये मेरे प्रेम में मारा हुआ थप्पड़ है। समझ रहे नहीं आप, समझ रहे हैं इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जिंदगी में भी मुश्किल आती है लेकिन भक्त कभी भी उसको बुरे तरीके से नहीं लेता, ये प्यार से मारा हुआ थप्पड़ है। जैसे तो कभी कभी ये कृष्ण जी के अरेंजमेंट रहते हैं, उनका लीला अद्भुत है। तो उसमें बता रहे हैं अभी बलि महाराज को, देखो तुम्हारी गलती किधर है। उसको बहुत प्रेम दे रहे हैं, कृपा दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, अभी उसकी शिक्षा शुरू हो रही है। ठीक है, क्या शिक्षा दे रहे हैं? ठीक है कि इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो संपत्ति है, ऐश्वर्य है, सुंदरता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुताशी, ये चार चीज़ होती है, बहुत लोगों के पास ये सब होती है, लेकिन उसके बाद घमंड नहीं, अगर वो बहुत स्पेशल आदमी, बहुत स्पेशल, उसका मेरे को कुछ लेने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, वो अगर चीज है उसकी भक्ति में रुकावट आ रही है और उसकी भक्ति को रोक रही है तो कृष्ण को सोचना पड़ता है कुछ करा जाए उसको बचाने के लिए। लेकिन अगर वो चीज वो उससे उसको कोई फिक्र, उसको डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो ठीक है। इनफैक्ट युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछते हैं जब कृष्ण को, तो कृष्ण जी बोलते हैं जिसमें मैं स्पेशली कृपा करता हूँ उसको मैं पहले तो कंगाल कर देता हूँ। पहला आंसर ये है, धनम शनै, उसको काली कर देता हूँ। ये जनरली कृष्ण की कृपा है। वो पूछते हैं जब ये प्रश्न, तो कृष्ण बोलते हैं नहीं वो तो मेरी स्पेशल कृपा है कभी कभी भक्त को, लेकिन जनरली कृष्णा इंटरफेयर नहीं करते। अगर भगवान कनिष्ठ भक्त को भगवान कभी कंगाल नहीं करेंगे, बिकॉज उसका भक्ति नष्ट हो जाएगा। फिर मध्यम भक्त जो थोड़ा एडवांस्ड है, उत्तम भक्त को कंगाल करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा रहा है। ये मेरा थोड़ा सा छोटा सा निष्कर्ष है। कनिष्ठ भक्त को भगवान कंगाल नहीं करेंगे, क्यों? उसकी भक्ति में उसका विश्वास टूट जाएगा। करेक्ट, आप मंदिर गए, ये तो बहुत लोग हरि का, विष्णु का, कृष्ण का मंदिर जाने में डरते हैं, क्योंकि हरि मतलब आपको कंगाल करना, हरना। उधर गए, नमस्कार किया, घर आए, कंगाल हो गए, तो कौन जाएगा भाई? जब लोग डर जाएंगे। नहीं, कनिष्ठ भक्त को भगवान ऐश्वर्य देते हैं, लेते कभी नहीं है। वो उत्तम भक्त को कुछ छूने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी है उसके पास देवी संपत्ति है, उसको छूने की कोई जरूरत नहीं हो भगवान। जैसे प्रभुपाद जी की संपत्ति है, ये पूरा मूवमेंट प्रभुपाद जी की संपत्ति है, एक बहुत बड़ा सत्य है, इस मूवमेंट से कोई कुछ ले नहीं पाया। एक बार ही अमेरिका में हुआ था, कोई आदमी कुछ छोड़ा पेपर वर्क करके एक इस्कॉन का मंदिर बाहर ले लिया था अमेरिका में। भक्त लोग इसी को ध्यान कर रहे थे, बिकॉज प्रभुपाद जी ने बहुत बारी लिखा है शुद्ध भक्त की संपत्ति कोई नहीं ले सकता, वापस आ गया, कह रहे नहीं ले सकता कोई, क्योंकि ये शुद्ध भक्त को दिया हुआ चीज़ है, ये हमारा नहीं है, ये तो प्रभुपाद जी का सब कुछ, कह रहे हम इसको छू नहीं पाएंगे, ये उनका संपत्ति है, उन्हीं के पास है, रहेगा, कोई नहीं ले सकता इसको। आप समझ रहे नहीं? जैसे कृष्ण खुद सुरक्षा करते हैं, उन्होंने दिया है ना उसको। जैसे हम लोग कुछ दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, जो लोग जो भी उनके पास धन है वो भगवान का दिया हुआ नहीं है, सोते हैं भगवान की कृपा, रे भगवान की कृपा नहीं है, ये माया की कृपा है। समझ रहे हैं? माया की कृपा है, भगवान की कृपा है एक हिसाब से, बिकॉज भगवान ने सैंक्शन कर दिया, लेकिन एक अभी दिया जो है हो सकता है आपके आप उसको अपने से बर्बाद कर दोगे। लेकिन जो भक्त को दिया जाता है बहुत विश्वास के साथ दिया जाता है, ये तो मेरा भक्त है। भगवान को जब भगवान देते हैं ऐश्वर्य भक्त को, जो उनका सेवा में लगा हुआ है उसको भगवान देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इससे उसको घमंड नहीं आएगा। ठीक है, और भगवान का मूल लक्ष्य उसको आसुरी संपत्ति देना नहीं है, भगवान उसको मूल लक्ष्य उसको दैवी संपत्ति देना है। अगर कुछ ऐसा सेवा करना चाहता है भक्त जिसमें उसको संपत्ति चाहिए, भगवान दे देंगे। कोई सेवा है और सच्चे दिल से सेवा करना चाहता है भगवान को, तो भगवान उसको जो संपत्ति चाहिए दे देंगे, उसके कर्म के अनुसार हो सकता है वो ना हो। आप समझ रहे हैं? कर्म में हो या ना हो, भगवान उसको नहीं देख रहे, भगवान उसको संपत्ति दे देंगे चाहिए। समझ रहे हैं? ऑर्डिनरी पुरुष को क्या होता है, उसके कर्म रोक देते हैं। जैसे आप करोड़पति बनना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑर्डिनरी पुरुष को उसके कर्म के अनुसार रुक जाता है। अगर आप पिछले जन्म में या कहीं पर संपत्ति को वेस्ट किया है तो उसको नहीं मिलेगी संपत्ति, क्योंकि बाल भगवान को मालूम है उसको धन दूंगा वो उसको घमंड आ जाता, भगवान नहीं देंगे।
लेकिन अगर भगवान का सेवा करना चाहता है तो उसका तो दिल पवित्र हो जाता है, तो भगवान उसको अगर सेवा के लिए चाहिए तो दे देंगे, नहीं चाहिए तो भगवान का वो फोकस नहीं है। भगवान का फोकस क्या है? जैसे वेदव्यास जी बद्री का आश्रम में बैठे हैं, उनको क्या संपत्ति चाहिए, वो तो खुश है वहाँ, भक्त तो खुश है, वो क्या लिख रहे हैं, भागवत लिख रहे हैं बहुत खुशी से, वो सारे वेद पुराण लिख रहे हैं, क्या चाहिए संपत्ति उनको? कोई संपत्ति नहीं चाहिए, नहीं देने का कोई मतलब है नहीं, नहीं चाहिए उनको। जैसे एग्जाम्पल दे जाता है, आज पांडव लोग को धन चाहिए था राजस्व यज्ञ के लिए, तो क्या होता है, कृष्ण जी बोलते हैं जाओ, एक जगह है, एक आदमी था, ये शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, तो वो उसको भगवान ने एक पूरा पहाड़ी दे दिया सोने का। प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी भी वो पहाड़ है, किसी को चाहिए ढूंढ लो, हिमालय में एक है पहाड़, ठीक है। तो लोगों तो वो सारे जो यज्ञ करता था सोने से करता था, सोने का मंडप बनाता था, सोने के बर्तनों में खाना खिलाता था, सोने का सब कुछ सोने का होता था। और यज्ञ के समय होता है ना, वो धरती को एक बारी खोदते हैं, पहले यज्ञ देखा आपने कभी शुरू होते हुए, बड़ा यज्ञ, एक धरती को एक बारी एक हल से, वो भी सोने का था, मतलब सब कुछ सोने का। और जो ब्राह्मण आए उनको भी बड़ा बड़ा दान किया सोने का, मतलब ले जाओ जितना ले जाना है, प्लेट ये सब वो सब। और वो ब्राह्मण भी ऐसे थे रास्ते में फेंक गए सब, नहीं चाहिए क्या ये सब। दोस्तों क्या लोग थे उस समय के, और ये भी कि सारी पब्लिक है, वो भी जाके उठा सकते हैं, उसको भी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज लोग सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग करते। प्रभुपाद जी ये पॉइंट करते हैं, ब्राह्मण लोग फेंक गए, ये कौन ले जाएगा, वो ना तो कर नहीं सकते, कोई दान दे रहा है तो उठा के ले गए, और रास्ते में कितना भार कौन ले जाएगा, फेंक गए, सोचो जरा करोड़ों रुपये का सामान है छोड़ो, और पब्लिक को मालूम है फेंक के आए उठा सकते हैं, उनको भी इंटरेस्ट नहीं। हमको एक बार याद है जब हम नेपाल गए थे, नेपाल पहले राजा के उसमें था, यहाँ से ले लीजिए 1998 ऐसा कुछ ले लीजिए, 20 साल पहले, लोग बहुत खुश थे उधर, बहुत शांत और बहुत खुश, राजा को बहुत आदर करते थे, एक्चुअली वैदिक सिस्टम था उधर, पहले एक ही हिंदू राष्ट्र था, पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर था, अब तो गया वो, अब तो रिपब्लिक हो गया वो भी। तो उधर क्या हुआ, हमारा कोई एक आदमी था जो घर में वो नौकरी करता था, सफाई करता था ये सब, तो उसको आते समय हमने बोला आप कुछ टीवी फ्रिज कौन लेके जाएगा, तुम रखो यूज, नहीं नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए। हमारे घर के पास एक दुकान थी, तो दुकान में हम लोग सामान खरीद जाते, ईजी रहता था। तो एक बारी क्या हुआ, दुकान देखी बंद थी, तो हम उसके घर गए, भाई दुकान क्यों नहीं खोल रहा, नहीं हो गया इस साल के लिए बहुत हो गया। तो लोग इतने संतुष्ट थे, सिंपल लाइफ, बहुत ही गरीब थे लोग, लेकिन वो सिंपल लाइफ में संतुष्ट थे। वो संपत्ति होती है आदमी की, आप समझ रहे नहीं, संपत्ति ऑर्डिनरी जो आदमी है उसको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो कोई लिमिट नहीं है, उसकी आकांक्षा अकाम सर्व काम है वो। लेकिन भक्त क्या होता है, अकाम, कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान की सेवा में संतुष्ट है, बहुत उसकी नीड्स बहुत मिनिमम है, इसलिए बहुत शांत रहता है वो, ठीक है। और उसको किस चीज का लक्ष्य है, देवी संपत्ति, उसको आसुरी संपत्ति नहीं चाहिए, बिकॉज आसुरी संपत्ति से क्या होता है, हम इस दुनिया में इंटैंगल हो जाते हैं, जैसे हम एक के बाद एक एक के बाद एक भोग की वस्तु को इकट्ठा करते रहेंगे, जैसे कर्मी लोग करते हैं, तो क्या होगा, हम उससे इंटैंगल हो जाते हैं, फिर हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म पे जन्म चलता रहेगा, बिकॉज और इच्छाएं एक चीज़ से दूसरी चीज़ बढ़ते रहती है। लेकिन जब हम भगवान के सेवा में इच्छुक रहते हैं तो हमको इन चीज़ों की इच्छा नहीं है। भक्त बहुत वैदिक कल्चर में सेंटर में, अभी देखो सिटी सेंटर क्या होता है, एक मॉल होता है ना, पहले सिटी सेंटर एक मंदिर होता था, और उस मंदिर में ही सब कुछ खर्चा होता था, और लोग बहुत झोपड़ी में अपने घर में खुशी से रहते थे, सुबह जाके भगवान के दर्शन करते थे, और भगवान को बहुत ऐश्वर्य से सेवा करते थे, अपना बहुत सिंपल रहते थे, उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर भगवान की सेवा करनी है, आपको कुछ चाहिए, तो आपको भगवान ग्रांट कर देंगे। जैसे अर्जुन को युद्ध के लिए शक्ति चाहिए थी, कृष्ण ने इतनी महान शक्ति दे दी कि अर्जुन को खुद मालूम नहीं था, इसलिए कृष्ण जी थोड़े विचलित थे कि अर्जुन अपनी शक्ति यूज़ क्यों नहीं कर रहा, मैं उसको इतनी शक्ति दी उसको मालूम नहीं है, इसलिए उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे, तो अपनी शक्ति निकाल दो, तेरे को मालूम नहीं कितनी शक्ति है। और उसने एक दिन दिखाई थी शक्ति, किस दिन, जब उसका बेटी की हत्या हुई थी, नेक्स्ट दिन अकेला वो आधा आर्मी एक दिन में खा गया था, पांच अक्षौहिणी अर्जुन, 5.5 अक्षौहिणी एक दिन में नष्ट किया था, खाली एक दिन में। और कृष्ण जी भी बोले थे युद्ध के बाद, ऐसा युद्ध मैंने नहीं देखा अभी, अर्जुन को मालूम नहीं था भगवान ने उसको कितनी शक्ति दी, कोई युद्ध नहीं कर सकता था उससे, समझ रहे। लेकिन जब युद्ध होने के बाद वो शक्ति भगवान ने ले ली थी, समझ रहे ना, स्पेशल पावर।
तो भगवान की सेवा के लिए भगवान कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमारा उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। भगवान सेवा के लिए कुछ दे, हमको घमंड आ जाए तो फिर हमारा भक्ति से पतन हो जाएगा, ठीक है ना। भक्ति का जो सरलता, भक्त मतलब बहुत सरल रहता है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। और जैसे ही भक्त के दिल में भोग ऐश्वर्य घुस जाता है, उसकी सरलता निकल जाती है, है ना। जैसे भक्त को मिलते हैं वैसे हरे कृष्ण प्रभु, बहुत सरल रहता है भक्त को, तो बहुत सरल है, उसको तो खुशी होती है ना। भक्त को मिलकर बहुत खुशी होती है, बिकॉज उसके पास अमान शून्यता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अमान ही ना माने देना, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, भगवान की खाली सेवा में उत्सुक है। तो कृष्ण जी बलि महाराज को बता रहे हैं कि देखो ये तुम्हारी गलती थी श्री राधा गोविंद की, क्या कि मैंने तुमको तो दिया, तुमको त्रिलोकेश्वर बनने की इच्छा थी, चलो दिया, लेकिन तुमको घमंड आ गया तो इसलिए मैंने वापस ले लिया। लेकिन जब भगवान वापस लेते हैं, अगर आदमी सुधर जाए तो उसको 10 गुना ज़्यादा दे देते हैं फिर वापस, कह रहे भगवान क्यों लेते हैं कि वो बिगड़ गया, लेकिन अगर वो सुधर जाए, जैसे बलि महाराज पूरे दिल से भगवान को सब कुछ दिया, भगवान इतनी डांट रहे हैं उसको, बेइज्जत कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं माना, उसको माँ का एक क्या कहते हैं डांट के बराबर माना, लेकिन उसके बाद भगवान इतने खुश हो गए, उसको सब कुछ वापस दे दिया 10 गुना ज़्यादा, सूतलमय बनाया उसके लिए विश्वकर्म से, स्वर्ग से भी सुंदर जगह, और नेक्स्ट उसको इंदिरा बना दिया, उसके बाद वैकुंठ धाम, तो और उसके खुद द्वारपाल बन गए। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಯುಗಧರ್ಮ, ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಲೆಂದೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು 1966 ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ 108 ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಳೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಿಷ್ಯರ ತಂಡ ನಾಮನಿಷ್ಠದಾಸರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕರಾವಳಿಯೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಂತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೈದು ಬಾರಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಪೂಜಾರಾಧನೆಗಳು, ನೈವೇದ್ಯ, ಕೀರ್ತನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ವಿದ್ಯಾನಗರಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಂಗಳೂರು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತರಾದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಕ್ತಾದಿ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.